Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh, where we take care of your studies. So आज हम lecture number 2 start कर रहे हैं, chapter number 2, class 12 physics, जिसका नाम है electrical potential and capacitance, right? So इस series में एक lecture already हो चुका है, जहां पर हमने कुछ बहुत ही basic fundamental concept जो हमने discuss किया था. So, I hope so, आप उस पर्टिकुलर लेक्चर से गो थ्रू हो चुके होंगे. अगर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के एंड में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा. सो प्लीज उस पर्टिकुलर लेक्चर से आप गो थ्रू होइए, राइट? तो जो आज सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन और बहुत फंडामेंटल डेरिवेशन है. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर हमें निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेशन एज ए फॉर्मूला यूज होगा, राइट? सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट वी आर गोइंग टू ड्राइव लेटर ऑन. I will discuss a numerical, एक बहुत ही standard numerical, straightforward but conceptual हम यहाँ पर discuss करेंगे, ताकि जो ये expression हम आज drive करने वाले हैं, इसको numerically आपको numericals में किस तरह से आपको use करना है, ये आपको clear हो जाए, right? So I hope so कि जितने भी lecture इस channel के through upload हो रहे हैं, आपको पसंद आ रहे होंगे, so please like and share them. Subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. So बच्चों चलिए अब हम डेरिवेशन करेंगे टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट? सो लेट अस सपोज कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, राइट? और ये पॉइंट चार्ज जो है अपने चारों तरफ अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा, डेफिनेटली बना रहा होगा, राइट? तो मुझे इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस से यहां पर ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, राइट? तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है, सो अकॉर्डिंग टू दैट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, उस पॉइंट तक हमें एक टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से उठाकर लाकर रखने में जितना काम करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है. वेरी सिंपल. सो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, राइट? तो देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे और जब आप डेरिवेशन शुरू करेंगे तो उस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे. जनरली हम यहां पर वो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हैं, राइट? लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप जो भी फिगर बनाते, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, राइट? अगर आपको आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि बेटा आपका जो एग्जामिनेशन है वो सब्जेक्टिव है, जो आपके डेरिवेशन होंगे वो या तो 3 नंबर में आएंगे या 5 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे, तो वो सब्जेक्टिव है. तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जो भी फिगर पहले बनाएं उस फिगर को आप एक्सप्लेन करें, राइट? सो देखिए मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं. सो लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है प्लस क्यू से, एंड वी हैव अ टेस्ट चार्ज जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय लेट अस से क्यू नॉट. और ये जो मेरा पॉइंट चार्ज है ये लोकेशन ओ पर रखा है, बंद हो जा भाई, ये रखा है लोकेशन ओ पर, और ये पॉइंट चार्ज मैंने रखा है लेट अस से एक लोकेशन है मेरे पास P, वहां पर मैंने इस पॉइंट चार्ज को रखा है, राइट? मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉइंट P पर नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी एक ये जनरल पॉइंट A पर. यहां पर मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, राइट? सो देखिए यहां पर इसको क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसको एक स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ लेते हैं इस तरह से, राइट? तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट?
और यहां पर कहीं मैंने इन्फिनिटी ले लिया, राइट, और दिस इज पॉइंट ए, और इस पॉइंट का बच्चों जो डिस्टेंस है मेरे टेस्ट चार्ज से, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय अ लेटर स्मॉल आर, राइट, और ये जो पॉइंट पी है ये इस सोर्स चार्ज से, दैट मीन्स पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, और ये मेरा इंफिनिटी है, राइट। तो देखिए अब इसमें व्हाट वी हैव गोइंग टू डू राइट नाउ कि इस टेस्ट चार्ज को मुझे सोर्स चार्ज की तरफ एक छोटा सा इंक्रीमेंटल डिस्टेंस डीएक्स जो है मैंने इसको मूव किया, तो क्या भाई साहब ये अपने आप मूव हो जाने वाला है? बताइए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाया जा रहा है इस सोर्स चार्ज के द्वारा, राइट, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन रहने वाली है वो इस डायरेक्शन में रहेगी, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है देखिए वो यही होगी, अब इतना तो आपको याद होना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हैं, बच्चों आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आपके जितने भी चैप्टर हैं सब इंटरलिंक्ड हैं, राइट। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके पिछले कॉन्सेप्ट आपके साथ रहे, राइट, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इस चार्ज को मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो मुझे यहां पर एक फोर्स लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, और उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई एफ एक्सटर्नल, सो दिस इज माई एफ एक्सटर्नल, राइट। और ये इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर भी हमने इसी तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो यहां पर व्हाट इज बेसिकली वी हैव दैट ये जो एफ एक्सटर्नल है ये किसके बराबर होना चाहिए? एफ इलेक्ट्रिकल के, यस, और इसकी डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, तो माइनस इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो एफ ई अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या बच्चों आप मुझे एफ ई बता सकते हैं किसके हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, राइट। सो एफ ई इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x2। सो दिस इज द एफ ई, राइट। सो एफ एक्सटर्नल कितना होगा? ऑब्वियसली माइनस ऑफ दिस थिंग, राइट। चलिए नाउ देखिए अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। मैंने इस चार्ज को, ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, मैं इसको सीधा यहां पर ए पर नहीं ले गया हूं, मैंने इसको एक छोटा सा इंक्रीमेंटल डिस्टेंस डी एक्स जो है मूव किया। फॉर दैट मुझे कितना काम करना पड़ेगा, हम इसको फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, राइट। सो इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल वर्क डन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस डिस्प्लेस द चार्ज क्यू नॉट बाय डीएक्स, कितना काम करना पड़ेगा हमको? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस आपने मूव किया है तो वर्क डन भी तो इंक्रीमेंटल ही होगा, दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ वर्क डन, एंड इट इज व्हाट? एफ ऑफ एक्सटर्नल, और या चलिए इसको मैग्नीट्यूड में रख लेते हैं, एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव डन दैट इज डी एक्स, राइट। सो चलिए अब इसकी वैल्यू यहां पर हम डिस्प्लेस कर दें, सो व्हाट वी हैव, रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, सो वी हैव डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्सटर्नल, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्सटर्नल दैट मीन्स माइनस ऑफ एफ ई, राइट। सो माइनस ऑफ एफ ई दैट मीन्स 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई, ये यहां पर हमने लिख लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब आई हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। देखिए मुझे क्या निकालना है, आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, आप क्या निकालना चाह रहे हैं, हमारा अल्टीमेट एम क्या है। माई अल्टीमेट एम इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, राइट। सो फॉर दैट हम ऐसे लिखेंगे, सो वर्क डन रिक्वायर्ड, बेटा आप नोट करते रहिएगा, सो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज, क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। इस चार्ज क्यू नॉट को हम इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लेकर आ रहे हैं, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन मान ले, तो उसके लिए इक्वेशन नंबर वन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंटीग्रेशन तो हमें आता है, राइट। सो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। हमने यहां पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस यस बताइए, क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड डीएक्स, राइट। तो बच्चों अब लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, देखिए जो आपकी इनिशियल लिमिट होगी, जो आपकी लोअर लिमिट होगी, दैट विल बी इन्फिनिटी। कहां तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं, राइट। सो इट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इट इज वेरी मच क्लियर, राइट। सो देखिए यहां पर तो हमें फिर वर्क डन मिल जाना है, दैट मीन्स वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, राइट। ओके, और यहां पर हम क्या लिखें बच्चों, देखिए ये पूरी की पूरी टर्म जो है, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आएंगे। दैट मीन्स हमने माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू नॉट, ये हमने इंटीग्रेशन साइन से निकाल लिया बाहर, और अंदर बेटा क्या बचा, 1/x² dx, राइट। अब देखिए जो बात हम शुरुआत से आपको कह रहे हैं, जितना मैथमेटिक्स आपका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, फिजिक्स उतने अपने आप उतनी ही आपकी निखरती रहेगी, राइट। तो ये जो मैथमेटिक्स है, इट इज ओनली जस्ट अ टूल बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन लर्न फिजिक्स और यू इवॉल्व द फिजिक्स, राइट। सो अब देखिए, अब यहां पर ये प्रॉब्लम जो है मोर ओवर थोड़ी सी क्या हो गई है, मैथमेटिकल हो गई है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx हमें करना आना चाहिए, राइट। तो इसको अभी हम करके देखें, तो इसको अभी मैं एक साइड स्टेप की तरह इसको कर रहा हूं, आप इसको मेन में भी कर सकते हैं, राइट। सो 1/x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, तो इसको बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स डी एक्स, भाई कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इसमें, राइट। ऊपर जाके -2 हो गया, राइट। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों, एक्स की पावर एन डी एक्स, यस। तो ये फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर n+1/n+1, राइट। सो देखिए यहां पर हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी -2, सो एक्स की पावर -2 dx क्या होने वाला है, एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1, सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, एक्स की पावर -1, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, राइट। तो चलिए इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, सो वी हैव इंफिनिटी टू ए एंड दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू नॉट, और हमने यहाँ पर क्या लिखा, -1/x। देखिए अभी हमने यहां पर लिमिट नहीं लगाई थी, यहां पर लिमिट है, सो दिस इज इंफिनिटी टू ए।
बच्चों आई होप सो कि आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे, राइट? चलिए अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? सो चलिए कर देते हैं। सो दिस इज इंफिनिटी टू ए एंड माइनस ऑफ वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और यहां पर व्हाट वी हैव अपर लिमिट, दैट मीन्स एक्स ऑफ ए एंड माइनस ऑफ लोअर लिमिट, सो माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, राइट? सो व्हाट वी गोइंग टू हैव, वी हैव इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एंड क्यू क्यू नॉट एंड माइनस, देखिए माइनस वन अपॉन एक्स ए, राइट? दैट मीन्स कि ये पॉइंट ए हमारा सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, तो पॉइंट ए सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, पॉइंट ए सोर्स चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नो डाउट, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? सो इसको हमने लिखा वन अपॉन आर, इसको हमने लिखा वन अपॉन आर, राइट? और वन अपॉन इन्फिनिटी बेटा जीरो, राइट? सो हेयर वी हैव जीरो, तो अब इसको तो हम क्या रिप्रेजेंट करें, राइट? सो यहां पर हो गया है जीरो, सो वी हैव दिस थिंग। अब देखिए ये माइनस हमारे पास और है, इसको हम अंदर ले जाते हैं, सो इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एंड 1 बाई आर। आई होप सो कि यहां तक आपको सब स्टेप जो है अच्छे से क्लियर हो गए हैं और आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं लगातार, राइट? ओके, सो दिस इज द वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, राइट? लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकालना है, राइट? वो होगा पॉइंट ए का पोटेंशियल, समझ रहे हैं ना? तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा क्यू नॉट है इसको उठा के हम यहां पर नीचे ले आते हैं, सो व्हाट वी हैव इंफिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट, राइट? अब ये हो गया पॉइंट ए का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल, राइट? एंड इट इज इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा इधर क्या बचा है, क्यू अपॉन आर, राइट? सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है हमने ड्राइव कर लिया है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल। तो आपको ये एक्सप्रेशन जो है याद रखना है, राइट? तो चलिए इस एक्सप्रेशन को हम एक ब्लॉक में ले लेते सो बेटा ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। चलिए एक दो चीजें और कॉन्सेप्चुअल चीज के बारे में हम डिस्कस कर ले। तो अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये किस तरह की क्वांटिटी होगी, वेक्टर या स्केलर, बताइए? ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि देखिए इसको हमने ड्राइव किया है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और वर्क डन जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? सो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? चलिए एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं। अगर सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज, अभी जो सोर्स चार्ज लिया है मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। देखिए अभी जब आपका पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है, राइट? और अगर पोटेंशियल अगर आपका पॉइंट चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव होगा तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके स्टूडेंट, तो एक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, सो दैट जो फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन अभी हमने ड्राइव किया है उसकी एप्लीकेशन उसके यूजेस आपको क्लियर हो जाए, राइट? सो इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बट कंसेप्चुअल वन,
चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो इसका पार्ट ए कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमारे पास एक चार्ज है जो 4 × 10⁻⁷ कूलम का है, इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट पी है। उस पॉइंट पर आप हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करके बताएं। वेरी वेरी सिंपल राइट। तो देखिए सिचुएशन जो है कुछ ऐसी है। लेट अस सपोज कि ये एक चार्ज है मेरे पास और ये कितना है 4 × 10⁻⁷ कूलम का ये चार्ज है। इससे कुछ एक डिस्टेंस पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है और यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में राइट। सो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस 9 × 10⁻²। राइट। और ये वो पर्टिकुलर पॉइंट पी है जहां पर आपको पोटेंशियल जो है फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट वी पी राइट। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 πε₀ nq/r राइट। सो वी इज इक्वल टू 1/4 πε₀ की जो वैल्यू होती है वो है 9 × 10⁹। सो इट इज 9 × 10⁹ क्यू आपके पास कूलाम में ही है, 4 × 10⁻⁷ और आर जो है दैट इज 9 × 10⁻²। और आंसर आएगा आपका वोल्ट में राइट। सो ये पूरी की पूरी हमें कैलकुलेशन करनी है, देखते हैं क्या रिजल्ट आए। सो द आंसर इज 4 × 10⁴ वोल्ट दैट वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस थिंग। चलिए सो दिस इज पार्ट ए। चलिए बच्चों पार्ट बी इस क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पॉइंट पी। तो पॉइंट पी तक अगर मुझे चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलम लेकर आना है इंफिनिटी से तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा ये मुझे बताना है राइट। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, डज द वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो देखिए जो पोटेंशियल है हमारा इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। और वर्क डन में हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप इस लोकेशन तक किस पाथ से आए हैं, आइदर यू हैव कम फ्रॉम दिस पाथ और यू हैव कम फ्रॉम दिस पाथ और यू हैव कम फ्रॉम दिस पाथ और यू हैव कम लाइक दिस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस पाथ पर डिपेंड करता नहीं है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो वर्क डन किस तरह से डिपेंड करेगा, और अगर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है तो फिर पोटेंशियल भी डिपेंड नहीं करेगा राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसमें जो पहला पार्ट है इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, चलिए इसको हम परफॉर्म करते हैं राइट। सो दिस इज पार्ट बी। पार्ट बी राइट, जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है इट इज वर्क डन डिवाइड बाय क्यू नॉट राइट। और आप चार्ज को लेकर आ रहे हैं इंफिनिटी से पॉइंट पी तक राइट। सो वर्क डन का जो, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, सो इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज बेसिकली वी पी इंटू क्यू नॉट। और पॉइंट पी का पोटेंशियल हमने निकाल लिया है दैट इज 4 × 10⁴ और क्यू नॉट जो है इट इज 2 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁹ कूलम। सो इट इज 8 × 10⁻⁵ और ये आएगा आपका जूल में राइट। सो दिस इज 8 × 10⁻⁵ जूल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर राइट।